हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू। तिल के लड्डू खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमने 3 कप भुनी हुई तिल ले ली है, बादाम ले लिए हैं, काजू ले लिए हैं, मूँगफली ले ली है और किशमिश ले ली है। एक कप हमने आटा ले लिया है, गुड़ ले लिया है और नारियल का बूरा भी ले लिया है। हमने ये सभी मटेरियल को अच्छे से भून के रेडी किया हुआ है। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसमें आटा अच्छे से भून लेंगे। जब हमारा आटा अच्छे से भून जाए तो हम उसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। हमारी गुड़ की चाशनी भी रेडी हो गई है और हमारा मटेरियल भी भून के इसके रेडी हो चुका है। तो हमने कढ़ाई में घी ले लिया है। घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें जो हमारा पिसा हुआ मटेरियल है वो डालेंगे। ये तेल घी अच्छे से तैयार हो गया है तो हम इसमें मूंगफली का बुरादा अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें बादाम का पाउडर भी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें नारियल का बूरा भी डाल दिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने काजू का बुरादा भी डाल दिया है, इसे भी मिक्स करके आधा चम्मच इलायची पाउडर भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये हमारा मटेरियल हल्का हल्का भुनने लग गया है, ब्राउन हो गया है। अब हम इसे गैस को डिम आंच में इसे फ्राई करेंगे। हमारा मटेरियल अच्छे से भुन जाए तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये ठंडा हो जाए तो हम इसमें तिल का बूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें गुड़ की चाशनी डाल दी है और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम अपनी आवश्यकता अनुरूप चाहे तो छोटे भी बना सकते हैं लड्डू, चाहे तो आप बड़े भी बना सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो आप उस शेप में लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये लड्डू आप 1 महीने तक खा सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। हमने अच्छे से लड्डू बना के तैयार कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।